हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और ये भी जो भी सॉल्व कराता हूँ एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है। और यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन 108 नंबर का क्वेश्चन है और उसके पहले 107 तक का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन उसी में अवेलेबल है। क्वेश्चन पे चलते हैं। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है। कौशल का मासिक वेतन कितना होगा? तो पहले लिखा है कौशल का मासिक वेतन, मतलब मासिक मतलब मंथली का, तो परसेंटेज दिया गया है 12% और नंदनी का दिया गया है 16% और दोनों समान है। क्या कह रहा है? दोनों समान है। तो के फार कौशल का लिख लेता हूं, इसका है वैल्यू 12% और इसी के बराबर दिया गया है नंदनी का, यन कह लेते हैं 16% और गुड़े यन, यन फार नंदनी और के फार कौशल। अब दोनों परसेंटेज दोनों तरफ है तो दोनों तरफ परसेंटेज कट जाएगा और भी किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 4 तेई 12 और 4 चौक 16 हो जाएगा। ये हो गया, ये 3 हो गया। इसका मतलब 3 के बराबर हो जाएगा 4 के। ये हो जाएगा। अब यहां से हम k/n, यहां n है, के बटे यन बराबर लिख सकते हैं 4/3, या इसको अनुपात में ऐसे कर देते हैं। ये आपका हो गया, यहां तक क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले आगे कह रहा है सुरेश का मासिक वेतन। सुरेश अब क्या कह रहा है? सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के वेतन का आधा है। तो ये नंदनी का, नंदनी के वेतन का ये आधा है। अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है? यस बटे यन हो जाएगा। यन को इसके नीचे ले आएंगे और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर माना जाता है, तो 1/2 और 2 इसके नीचे ले आएंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ नंदनी यन को बराबर कर, नंदनी को बराबर कर लेंगे क्योंकि इसमें 2 का गुणा कर लेंगे और इसमें आपका अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 3 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं और इधर आपका 3 का 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो के बटे यन बराबर हो 4 × 8 और 3 × 6, ये हो गया यस बटे यन बराबर 3/6। अब यहाँ देखिएगा यन और यन दोनों बराबर हैं, यन और यन दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं के अनुपाते यस अनुपाते यन, किसी को इधर आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ 8, के का वैल्यू 8 है, यस का वैल्यू 3 है और यन का वैल्यू 6 है। अनुपातिक योग जोड़ेंगे तो 8 + 3 + 6, 8 × 3 = 11, 11 × 6 = 17। अनुपातिक योग नहीं लेना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें कह रहा है सुरेश का वार्षिक वेतन, मतलब एक वर्ष का वेतन दिया गया है 1.08 लाख। सुरेश का मतलब 3 की वैल्यू दिया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8x, 3x और 6x। अगर हम x x में सब में गुणा कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सुरेश की वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब 3x बराबर दे रखा है 1.08। इसको काट देंगे, 3 × 9 और 3 × 6 = 18, इसका मतलब x बराबर आपका हो गया, ये लाख में था और ये आपका आया 36,000, लाख में था। अब 3 से कट गए तो 36,000, इसका 3 गुना था तो अलग करेंगे तो 36,000 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई। अब हमको कह रहा है कौशल का मासिक वेतन बताइए, मासिक मतलब मंथली, ये जो वैल्यू आई है
ये जो वैल्यू आई है साल का है, वर्ष का है, ये क्या है वर्ष का है, वर्ष की वैल्यू आई है। अब कह रहा है इसमें कौशल का मासिक वेतन, तो अब क्या करेंगे, कौशल का कितना है 8 है, तो 8 बुढ़े 8 यक्ष है, तो 8 बुढ़े 36, ये किसमें आया वर्ष में, वर्ष में आया है। अब क्या करना है, हमें मासिक में निकालना है, तो हमको क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, 12 से भाग देंगे तो आपका वैल्यू आ गया 12 3 36, 8 3 24, इसका मतलब आपका एक वर्ष का, अरे सॉरी महीने का 20 हो जाएगा, 2400 रुपया हो जाएगा। तो वैल्यू निकालना कितना, किसका निकालना था हमको, कौशल का निकालना था, तो कौशल का एक मंथ का वैल्यू है, कौशल का वन मंथ वैल्यू है कितना 2400 रुपये, यही वैल्यू निकालना था, सॉरी 24,000 हो जाएगा, यहाँ एक जीरो सॉरी इसके लिए, यहाँ हो जाएगा 24,000 हो जाएगा, ये निकालना था कौशल के, कौशल का एक मंथ का वेतन कितना है वो निकालना था, तो 24,000 हो जाएगा, यहाँ ये एक जीरो लग जाएगा, ये इस तरह से लग जाएगा, तो आपका ये वैल्यू आ गई 24,000, इसी को निकालना है, ये अनुपात में बदल लेंगे, अनुपात में बदलने के बाद इस तरह मान हो जाएगा। अब इसका मान दिया हुआ है आपका कितना, सुरेश का वैल्यू दिया है 3x, 3x की वैल्यू दिया है 1.08 लाख, इसको काटा तो 36,000 आ गया है, इसको काट के 1,000 इसमें कर सकते हैं, इसको 36,000 है, तो x की वैल्यू 36,000 है, तो 8x की वैल्यू 8 का इसमें 8x है, तो x में गुणा कर देंगे, और 12 से भाग इसलिए दिया गया कि मंथ में, ये आपका वर्ष में था, इसको भाग दे देंगे तो ये क्या है एक मंथ की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गया 24,000। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 109 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च होने में वृद्धि होने के कारण कुछ और वृद्धि हो गई उसके खर्च में, तो वो खर्च 37 / 1/2 की वृद्धि हो गई खर्च में, अब उसकी आय में 16 / 2/3 की वृद्धि हो जाती है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितना है, जो जब खर्च वृद्धि हो, खर्च में वृद्धि हो जाती है तब उसका बचत कितना परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज निकालना है, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च देता है, आय कितना मान लेते हैं, पहले आय और खर्च, खर्च और बचत, बचत अब 100 पे लगाएंगे क्योंकि परसेंटेज है, तो 100 आय कितना है, पहले था 100 था, खर्च किया था 80 और बचत कितना किया 20, इसको और काट लेंगे और सरल कर लेंगे, देखिए 20 करने 20 20 और 80 और 20 × 5 = 100, अब क्या हो गया 5 4 1 के अनुपात हो गया। अब कह रहा है निर्वाह खर्च में वृद्धि होने का है, उसके खर्च में 37 / 1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो ये आपका जो 37 / 1/2 है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/8 हो जाता है, क्या है भिन्न में चेंज करेंगे तो 3/8, इसको याद करना होता है, याद करिए प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा आप लोगों को कि कैसे होता है, फट से आ जाएगा। अब 37 / 1/2 की वृद्धि हो जाती है, तो इसमें खर्च में वृद्धि होती है, पहले 4 था अब 3/8 हो गया, इसका मतलब पहले 4 था अब 4 का भी परसेंटेज निकालेंगे, कितना फ्रैक्शन का 3/8, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 × 2 = 8, ये 4 × 2 = 8 = 3 = 11, ये आपका 11/2 हो गया खर्च में, अब वृद्धि कितना हो गया 11/2 फ्रैक्शन में हो गया। अब क्या करेंगे, वृद्धि हो जाएंगे उसकी आय में 16 / 2/3, अब ये भी याद करना है 16 / 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6, फ्रैक्शन
फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, 50/300 ये कट जाएगा, 1/6 हो जाएगा, फ्रैक्शन होगा 1/6। अब वृद्धि हो रही है 1/6, पहले कितना था 5 था, फिर 5 में 1/6 की वृद्धि हो गई, तो हो जाएगा इसको करेंगे फ्रैक्शन क्या, तो 35/6 आ जाएगा, 35/6 आ जाएगी। अब पहले आया इतना था, खर्च इतना हुआ, अब इन दोनों में से अगर घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कितना बचत हो रहा है। तो 35 आप क्या करेंगे, 35/6 - 11/2, इसमें 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 35/6 - 33/6, तो ये हो जाएगा 2/6, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। अब बचत कितना कर रहा है इसके नीचे लिख लेंगे, 1/3 का बचत कर रहा है, पहले 1 बचत कर रहा था, अब 1/3 बचत कर रहा है, क्योंकि खर्च ज्यादा बढ़ गया इसलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसी का परसेंटेज निकाल, पूछ रहा है कितने परसेंटेज की मतलब बचत, कितना परसेंटेज की बचत कर रहा है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। ये सॉल्व करना, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से इसको घटाना, ये अब इसमें क्या है बचत, बचत लिखेंगे, बचत लिखेंगे यहां 35/6 में से 11/2 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा, यहां क्या करेंगे हर बराबर करने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 35/6 - 33/6, हर बराबर है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बराबर है, तो अब क्या करेंगे इसमें घटा देंगे तो 2/6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3, इसको काट देंगे 2 × 3 = 6, तो 1/3 आ गया, ये आ जाएगा। अब हमको इसका परसेंटेज निकालना है, ये घटाने के बाद ये बचत आया, तो बचत ये हो रहा है 1/3, तो इसका परसेंटेज निकालना है किस पे, आय से 35/6 में कितने की बचत हो रहा, तो उसका परसेंटेज निकालेंगे, ए आपको 1/3 और पूरे का बटा 35/6 और गुणे 100, बचत परसेंटेज में, बचत परसेंटेज में इसको पलट देंगे, 1/3 पलटेंगे, 6 को ऊपर चला जाएगा, नीचे 35 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और गुणे 100, इसको काटेंगे 3 × 2 = 6 और 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10, इसका होगा 40/7, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन आपको भिन्न में चेंज, सही बटे में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5/5 = 7%, ये निकालना था, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, 5/5 = 7%, ये आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करेंगे तो मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। पहले 80% खर्च करता है, कुल आय 100 है और बचत कितना है 20 करता है, इसको आपका सिंपल कर लेंगे, जितना कट सके काट दीजिए। उसके बाद में कह रहा है 37 सही 1/2%, तो 37 सही 1/2 का 1/6 होता है, सॉरी 3/8 होता है, तो 4 + 4 × 3/8 करेंगे तो 11/2 हो गया, और आय में वृद्धि हो जाए 16 सही 2/3, तो 1/6 हो जाएगा इसका 35 सही, इन दोनों में से घटाएंगे तो बचत आपका आ जाएगा 1/3। अब 1/3 का परसेंटेज निकालना है, तो आपका बचत कितना 1/3 किसमें 35 सही 6/2 गुणे परसेंटेज 100 का गुणा कर देंगे तो परसेंटेज निकले, तो काटने के बाद 40/7 आएगा, तो 5 सही 5/7% आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 110 नंबर का क्वेश्चन है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर तथा शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो इसको पहले क्या करेंगे, ये जो आपका वैल्यू दिया गया इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या है, ये जो आपका दिया गया है 20% का होता है
फ्रैक्शन में 1/5, फिर 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, और 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, ये होता है। अब ये फ्रैक्शन पहले इसको फ्रैक्शन में ही चेंज कर लेंगे, बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए, राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं में खर्च करता है, 20% खर्च करता है, तो बचा कितना? बचा इसमें 1/4, 4/5 बचा, बचा कितना? एक पांच था, एक खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 4/5 बच गया। अब इस पे जो बचा उस पे क्या करता है, 15% पुस्तक खरीद लेता है, पुस्तकों पर खर्च करता है, क्या करता है, इसी पर 15%, इस पर 15% क्या करता है, पुस्तक पर खरीदता है। तो क्या है, 4/5। फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो आसान हो जाता, बहुत इजी हो जाता सॉल्व करना, और ये 100 हो जाएगा तो ज्यादा लंबा चौड़ा चला जाएगा। अब फ्रैक्शन में 3/20 खर्च करता है, तो 3/20 कर लेंगे, तो इसको काटेंगे, ये 3 नहीं कटेगा, सॉरी 3/20, तो 4 × 5 = 20, इसका मतलब 3/25 वो खर्च कर रहा है। अब इन दोनों में से इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों में से इसको घटा देंगे, तो 4/5 - 3/25 घटा देंगे, इसमें 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 20 - 3/25, इसका मतलब ये आएगा 17/25। अब शेष कितना बचा, फिर 17/25 बचा। अब 17/25 का 3/10 कपड़ों पर खर्च कर देता है, तो ये आप यहां पर निकालेंगे, 17/25 × 3/10, 17 × 51 = 250, इतना खर्च करता। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो शेष निकल आएगा। अब शेष जो आपका हो जाएगा, फिर शेष निकालेंगे कितना हो जाएगा, 17/25 - 51/250, इसमें क्या करेंगे, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 170 - 51 घटा देंगे तो बचेगा 250, नीचे हो जाएगा इसको 119/250, ये शेष बच गया। अब ये जो शेष बचा है ये किसके बराबर है, ये 9520 के बराबर है, क्या है, तो इसको हम यहां पर x मान लेते हैं, x मान लेंगे, अब इसी के बराबर दिया 9520, इसको 19 से काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और x बराबर इसका गुणा कर लेंगे तो 250 × 80, तो ये हो जाएगा 20,000, 20,000। तो कह रहा है उसकी आय, मासिक आय कितनी है, तो आपका 20,000 रुपये आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, सी ऑप्शन सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये फ्रैक्शन में सॉल्व करके सॉल्व करेंगे तो बड़ा इजी हो जाता है, परसेंटेज में सॉल्व करेंगे तो कन्फ्यूजन है। आप ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना याद करने का तरीका कि 20 का होता है 1/5, 15 का 3/20, 30 का होता है 3/10, इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो 11 नंबर का क्वेश्चन है। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, और 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उससे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है, और नताशा का वेतन कितना है, तो ये सॉल्व करना है। अब इसको देखिए, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, और 11,475 रुपया खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% है। इसका मतलब खर्च की जाने वाली
राशि मान लेते हैं यक्ष है। अब यक्ष का कितना है 60% खर्च किया, उसकी वैल्यू दिया है 11,475 रुपया। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 60 का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका यह हो जाएगा कितना 3/5। और 3/5 क्या है, खर्च की जाने वाली राशि यक्ष है, तीन किसका है यक्ष का 3/5 है और उसकी वैल्यू दिया गया है 11,475। इसको काट देंगे, तीन से काटेंगे, तीन और चौबीस, तीन दूनी छः और तीन पचे पंद्रह, तो यक्ष बराबर आपका हो जाएगा 3,825 × 5 गुणा कर लेंगे आपस में तो 5 25 5 2 10 2 12 और 8 5 40 40 41 4 हासिल और 5 3 15 4 19। इसका मतलब उसकी खर्च की जाने वाली राशि जो थी 19,125 होनी थी। अब उसकी वैल्यू, अब माना नताशा का मासिक वेतन है, का मासिक वेतन 25% जो है उसकी वैल्यू दिया है 19,125 रुपया। क्या है इसका फ्रैक्शन चेंज करेंगे 45 का तो ये हो जाएगा 9/20। तो y का 9/20 की वैल्यू दे रखा है आपका 19,225। अब इसको काट लेंगे 9 × 2 = 18, 18 + 9 = 9, 9 × 2 = 18 और 9 = 45। y बराबर हो जाएगा 2125 × 20 गुणा कर लेंगे 0 हो जाएगा, 5 × 10 = 0, 5 × 10 = 0 और 2 × 4 = 5 और ये 2 हो गया और 2 × 2 = 4। मतलब उसका आपका मासिक वेतन हो गया 42,500 रुपये हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना था तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेंगे जो 60% ये जो दिया है, ये आपका ये वैल्यू इतना है, 60% की वैल्यू यह है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, खर्च की जाने वाली राशि आपका इतना हो जाए, इतना राशि आपको खर्च करना था तो उसकी भी वैल्यू दिया है 45% खरीदारी में खर्च करना, उसकी वैल्यू इसके बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 42,500। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया, शेष भाग का आधा अपने पुत्री को दे दिया तथा तो बचे हुए धन के अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक पुत्र को 14,000 रुपये मिले हों तो उसके पास कुल कितने धन थे, अग्रवाल के पास कितने धन। तो देखिए 30% खत्म किया, इसका ना इसको फ्रैक्शन में मैं चेंज करके बताता हूँ। इसमें क्या है कि आपको 30% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/10 हो जाता है, ऐसे ही चेंज कर लेना है। तो 3/10 खर्च पत्नी को दिया, कितना है पत्नी को दे दिया, पुत्री को कितना देगा, कितने में देगा, पुत्री में देगा तो 7/10 बचा हुआ है, 7/10 में आधा अपने पुत्री को दिया तो इसका 7/10 अपने पुत्री को देगा तो एक 7/10 का आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो उसको दिया कितना 7/20 भाग, कितना दिया 7/20 भाग दिया। अब 7/10 में से 7/20 घटा देंगे तो 5 पुत्रों की संख्या, 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांटना है, शेष जो हो जाएगा 7/10 − 7/20, 2 का ऊपर नीचे अगर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 14/20 − 7/20, हर बराबर हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 7/20। और जो 7/20 आया है इसमें अपने 5 पुत्रों को बराबर बराबर में बांट रहा है, क्या है 7/20 जो है अपना बराबर, 7/20 जो बचा हुआ है ये अपने 5 पुत्रों को बराबर बराबर बांट रहा है।
तो अगर हम पांच पुत्रों में से पांच से भाग दे देंगे तो एक भाग की संख्या, एक पुत्र की संख्या आ जाएगी, और उसकी वैल्यू दे रखा है, उसके पास कुल धन कितने हैं, तो धन मान लेते हैं यक्ष, यक्ष मान के ही लगाएंगे या एक यूनिट मान करेंगे। अब क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालना है। अब इसकी वैल्यू दे रखा है, एक लड़के की वैल्यू दिया है 14,000, 14,000 दिया है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7/20, 100 क्या है ये इसके ऊपर बुरा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100, 7/100 यक्ष इसलिए मानते हैं, बाद में यक्ष ले लीजिए, 7 से काटें, 7 × 2 = 14 तो हो जाएगा 2000, इसका गुणा कर देंगे तो यक्ष की वैल्यू आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 इकाई, 2,500, 10,000, 1,000,000, 2,00,000 रुपए उसके पास कुल वैल्यू की कितना 2,00,000 रुपए। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे आपको बहुत इजी हो जाएगा, परसेंटेज में करेंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। तो ये क्या है, फ्रैक्शन में चेंज कर, 30 का 3/10 होता है और बचा कितना 7/10, 7/10 के पुत्री को दिया आधा, तो आधा दिया तो 7/20 हो गया, और उसके पास 7/10 था तो 7/10 में से 7/20 घटा दिया तो 7/20 आ गया। अब इस 7/20 जो बचा हुआ है उसको पांच भाग में तोड़ना, क्योंकि बराबर बराबर मिला था तो एक की वैल्यू निकालना, तो पांच से अगर भाग देंगे तो एक बच्चे, एक लड़के की वैल्यू आपका दे रखा है इतना, तो एक वैल्यू आ जाएगी, इसको फ्रैक्शन काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2,00,000 रुपए। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, 112 तक क्वेश्चन समाप्त है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।